राम राम भाई, सभी भाइयों ने भाई आप सबका स्वागत है भाई एक नया नदरों में। दोस्तों तो मित्रों भाई, आज भाई फ्री टाइम था तो भाई आज मैं आया हूँ भाई यहाँ पर एक मंदिर में भाई, यहाँ का जो एक काफ़ी फेमस मंदिर है भाई। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको वो आपसे भाई बाद में बात करूँगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं भाई कहाँ पर है भाई वो मंदिर। एक्चुअली मैं भी भाई यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो अभी देखते हैं भाई वो कहाँ पर मिलेगा भाई। ठीक है, एक्चुअली अभी मैंने क्या मैं अभी क्या जो बाइक मैंने पार्किंग पे लगा दी है। ठीक है, तो उसके बाद भाई देखने चलेंगे भाई कहाँ पर मिलेगा वो। हाँ नहीं अमोई अडो अडो दी था। ओ सो आई हैव टू गो देयर। ओ ओके ओके ओके। तो एक्चुअली क्या भाई, ये सिर्फ जो पीछे था ना, तो अभी क्या सिर्फ मोटर बाइक पार्किंग का था। ठीक है, तो भाई भाई पार्किंग पर भाई अपनी मोटर बाइक हमने लगा दी है। तो अभी क्या है ना, रोड क्रॉस करके भाई जाना होगा, तो रोड क्रॉस करके चलेंगे वहाँ पर भाई, तो देखेंगे। एक्चुअली जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूँगा भाई। ठीक है, बट इस जो पगोड़ा यानी कि मंदिर, ठीक है हमारी बात समझ, जैसे कि मंदिर है ना, मंदिर मंदिर बोलते हैं, तो यहाँ पर भी पगोड़ा बोलते हैं, तो पगोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वन पिलर पगोड़ा है, मतलब कि जो इसका जो आर्किटेक्चर है, मतलब कि वो एक पिलर के ऊपर बनाया हुआ है, खाली एक पिलर के ऊपर। तो एक्चुअली आज फ्री टाइम था भाई, काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई मैं भी। तो चलो अभी चल के देखते हैं भाई इस पिलर को, ठीक है, इस मंदिर को भाई देखते हैं भाई कैसा है। ठीक है गाइस, सो लेट्स डू इट। सो गाइस भाई अभी पहुंच चुके हैं भाई इस प्लेस में, देखेंगे भाई क्राउडेड तो भाई काफ़ी है, बहुत ही क्राउडेड है भाई, दिखा दूं भाई आप। तो पता नहीं भाई, मैंने भी नहीं पता कहाँ पर है वो पगोड़ा, शायद यही होगा। हाँ यही है भाई, ठीक है, हाँ यही है ठीक है। तो भाई गाइस देख रहे हो ना भाई, तो मित्रों भाई अभी पहुंच चुका हूं भाई मैं ब्रिटिश टेंपल में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे ना, हमारे जैसे कि मेरे वगैरह लगते हैं भाई, उनमें सामान वगैरह मिलते हैं, तो भाई यहां पर भी ऐसे ही थोड़ा स्टॉल वगैरह लगी हुई हैं। तो दोस्तों मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूं, जैसे कि आप सामने देख रहे हो ना, तो यही वो पगोड़ा है। एक्चुअली पगोड़ा मंदिर, एक्चुअली मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता भाई, ठीक है पहली बार आया हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ना, इससे हमारी तरह जैसे कि टेंपलों में, हमारे मंदिरों में भी पास में तालाब होते हैं, ठीक है, तो वैसे इन्होंने बना, ये नीचे जो दिखा रखे ना, ये कमल के फूल यहाँ पर अभी मतलब आए नहीं हैं अभी कमल, तो ये कमल ये देखिएगा गाइस। तो ये जो वन पिलर है ना, इसके ऊपर ही ये जो बना हुआ है, स्पेशली ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है भाई, ये तो देख लो, ये एक पिलर के ऊपर ये बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा भाई टेंपल अभी है, और बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है भाई यहाँ पर वियतनाम में स्पेशली, और काफ़ी दूर दूर से लोग भाई इसे देखने के लिए आते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, तो इसका वॉक अराउंड देख लिया मैं, इसको आपको चारों तरफ से आप घूम के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सिर्फ ये एक वन पिलर है दोस्तों, तो उसी के ऊपर ये बनाया हुआ है, ये स्पेशली लकड़ियों का ही स्ट्रक्चर है, और इसके चारों तरफ देखो जिसने बाउंड्री वॉल वगैरह के पेड़ पौधे उन्होंने काफ़ी वगैरह लगाए हुए हैं भाई। ठीक है, तो मैं आपको ये अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ भाई घूम घूम, ताकि आप देखिए भाई यहाँ पर भी वन पिलर पगोड़ा है भाई, इसको क्यों बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसे वन पिलर पर ही इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो देख लिया भाई कितना अच्छा भाई आर्किटेक्चर है भाई, लकड़ियों का बना हुआ भाई, बहुत ही अच्छा, जैसे कि अपना
जो नॉर्थ ईस्ट साइड में नहीं होते हैं, ऐसे ही इस तरह के ही हैं भाई, बुद्धा से रिलेटेड बुद्धिस्ट टेम्पल। ठीक है, तो भाई चलिए आगे की तरफ चलते हैं भाई, और भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो टूरिस्ट प्लेस है भाई, काफ़ी फेमस प्लेस है, यदि कभी भी आप वियतनाम आए भाई तो इस प्लेस पर भाई ज़रूर आइएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी फेमस प्लेस है दोस्तों, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर भी देखो जैसे पत्ते रखे हुए हैं, ये कमल के ही हैं भाई। ठीक है, अभी उगा नहीं एक्चुअली में। तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए भाई, ये वियतनाम में, बट आप देख रहे होंगे ना सत्य का निशान, ये देखिएगा इस। तो मुझे भी देख के भाई काफ़ी अचंभा हुआ भाई, यहाँ पर वियतनाम में कैसे हमारा हिंदू रिलीजन से जो साइन है। ठीक है, तो वियतनाम में भाई अपना हिंदू प्राचीन धर्म भाई, सनातन धर्म भाई, ठीक है, था, यहाँ पर भी था, ऐसा नहीं है, जैसे कि आप ये सिंबल देख रहे हैं भाई। ठीक है, और ये मंदिर भाई कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में भाई, ठीक है, ये शायद बिल्डअप किया था, बनाया हुआ था भाई। ठीक है, तो अभी चलते हैं अभी अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ देखिए, सभी ऐसे ही जा रहे हैं भाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे जूते चप्पल निकालने हैं, कोई मतलब कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई आपको जूते चप्पल निकालने ही पड़ेंगे तभी आप जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो भाई स्टेयर्स पे भी चलते हैं भाई ऊपर की तरफ, देखते हैं भाई ऊपर से भाई ये कैसा लगेगा। ठीक है, तो साफ सफाई तो भाई काफ़ी अच्छी है, मैं भी भाई एक एक बॉडी ऊपर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ भाई। और गाइस ये है इनसाइड, अंदर देखिए, ये ना हमारे जो हमारे जैसे गॉड होते हैं भाई, जैसे कि भगवान, जैसे कि विष्णु के हाथ मुद्राएं, ऐसे आप देख रहे होंगे ना, तो ये इनके अंदर है इनके भगवान जी। ठीक है, हस्त मुद्राएं देखिए दोस्तों, स्पेशली मुद्राएं। ओके, तो हस्त मुद्राएं सेम टू सेम वही हैं भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वियतनाम में भाई हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और भी यहाँ से जो ऊपर से भाई आपको ऐसा दिखाई देगा ये। ठीक है, काफ़ी इंडियन लोग भी भाई यहाँ पर अभी ट्रैवल के लिए भाई आए हुए थे, क्योंकि अब से क्या ना अभी फ़्लाइट थोड़ा चीप हो गई है भाई, सस्ती हो गई है, पहले तो इनडायरेक्ट फ़्लाइट थी, बट अब क्या डायरेक्ट फ़्लाइट हो चुकी है ना, तो इस वजह से। तो ये ऊपर से भाई व्यू है भाई, काफ़ी अच्छा भाई यहाँ पर भी लगा मुझे आकर, और काफ़ी इंडियंस वगैरह यहाँ हुए। तो भाई एक्चुअली मैं बात तो करना चाहता था, बट एक्चुअली कर नहीं पाया भाई। ठीक है, बात तो आई होप नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा, कहीं भी मतलब टूरिस्ट प्लेस पे जाऊँ घूमने के लिए, तो किसी से बातें करें, उनसे आप शेयर करें। बट मैंने एक लेडीज से बात की थी यहाँ, जब वो टूरिस्ट गाइड थी और फिलीपींस के लोगों के साथ वे आई हुई थी भाई। ठीक है, उनके टूरिस्ट गाइड थी वो, तो उनसे मैंने थोड़ी सी बात की थी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए भाई, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भाई प्लेस, वो देख रहे होंगे ना आप, काफ़ी फॉरनर्स आपको नज़र आ रहे हैं भाई यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो मुझे भी इतने साल भाई यहाँ पर रहते हुए होगे भाई, तो मैं भी कभी नहीं आया था, ये सब आपके लोगों की वजह, क्योंकि मैं आप लोगों को भी ये प्लेस दिखाना चाहता था एक्चुअली, तो इस वजह से ही मेरा यहाँ आना पॉसिबल हुआ गाइस। अभी मैं एक ट्री और दिखाता हूँ आपको, पीपल का ट्री भाई। देखिए हमारे यहाँ भी पीपल की भाई पूजा होती है बहुत, ठीक है, और यहाँ भी भाई पीपल के, देखिए पीपल का जो वृक्ष है काफ़ी, ये कहा जाता है कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था भाई। ठीक है, तो मे बी इंडियन प्राइम मिनिस्टर भाई, मे बी इंदिरा गांधी के टाइम का भाई, 1975 अराउंड, तो भाई उस टाइम का शायद ये हो सकता है, काफ़ी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बट मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भाई ये ट्री लगाया था, जो पीपल का पेड़ है। और ये ट्रीज़ देखिए गाइस, ये ट्रीज़ भाई काफ़ी पुराने होते हैं भाई, काफ़ी ओल्ड एज होते हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये देखिए वन पिलर पगोड़ा, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मुझे भी भाई काफ़ी अच्छा लगा, और आप आई होप आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखने के लिए, तो जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए मित्रों, तो मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया है अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी दिक्कत रहती है गाइस, इस वजह से ज़्यादा कहीं आ जा नहीं पाता। तो इसके साइड में वॉक अराउंड ले लेते हैं, वो देख लेते हैं ये देखिए ट्रीज़, और यहाँ पर ये जो इन्होंने पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो क्योंकि सभी रिलीजन में सभी
कुछ ना कुछ होता है भाई जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अभी और चलते हैं दूसरी साइड में, देखते हैं भाई वहाँ पर क्या है क्या नहीं है भाई। तो मुझे भी पता, आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस अब इस टेम्पल में, और आप लोगों का भी, हम सब एक जैसे ही हैं भाई। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं भाई, जो पोस्टर्स वगैरह ने यहाँ पर भी लगाई हुए हैं गाइस। तो इन्होंने क्या, इनमें क्या जीएन के कुछ मॉरल शिक्षाएँ भाई, आप जैसे कि नॉन वेज खाते हो तो आपके साथ क्या होगा, ये हो मतलब जो झूठ बोलोगे या कोई भी सामान चोरी करोगे, किसी को दुख पहुँचाओगे तो आपके लिए क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है। तो सेम जैसे कि हमारे गरुड़ पुराण में दिया हुआ है, तो सेम यहाँ पर भी इन्होंने ये पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं इनके रिलीजन में। ओके देखो आप ये पढ़े होंगे ना, डू नॉट वियर शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आप यहाँ पहन कर नहीं आ सकते इन पगोड़ा के अंदर, ठीक है। ये अंदर चलते हैं और भी टेंपल देखिए, मैं आपको इनके भगवान वगैरह दिखाऊंगा भाई और भी, ठीक है। इनसाइड चलेंगे और भाई, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भाई, देखिए कुछ सिंबल्स वगैरह भाई, ये मूर्तियाँ बस कुछ शो करने के लिए। तो अंदर की तरफ चलेंगे ना गाइस, तो देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड भाई ये पगोड़ा है भाई यहाँ पर। ये देखिए स्पेशली अपने नॉर्थ ईस्ट साइड की जैसा है भाई, सेम ओके। तो क्योंकि मुझे एक बार मौका मिला था ओके, तो जाने का नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो इसलिए मुझे पता है भाई, ठीक है। तो ये देखिए अंदर से काफ़ी अच्छा भाई इन्होंने बना, बट है सारा लकड़ी का भाई, वुड से बना हुआ भाई, सारा मोस्टली वुड से बना हुआ है भाई, ठीक है। और ये देखें गोल्ड कलर इन्होंने भाई किया हुआ है भाई, ये देखिए फल फ्रूट वगैरह ने अपने कैसे अच्छे तरीके से बे रखे हुए हैं भाई, काफ़ी साफ सफाई और शांति। तो भाई आपको पता ही है, मंदिर में आपको भी जाओगे तो आपको शांति का तो महसूस होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी टूरिस्ट भी आए हैं देखने के लिए। तो अभी चलते हैं एक साइड में और भाई, टेंपल रहता है वो वाला सामने वाला, तो वहाँ पर भी चलेंगे गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ना, अपने यहाँ पर फल फ्रूट वगैरह रखे हुए, ये कमल के ये जो भाई पौधे हैं यहाँ पर भी भाई ये रखे हुए पानी के अंदर, ठीक है। इनके अपने कुछ देवताओं वगैरह जैसे होते हैं भाई सभी के, तो यहाँ पर भी है भाई, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ना, ये वाला थोड़ा सा और आपको क्लोज लेके जाकर दिखाता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा भाई। हाँ ये देखिए भाई ऐसे, ठीक है गाइस। तो ये देखिए भाई, तो मतलब सभी लोग ये देखिए कमल के छोटे छोटे जो उस पर है ना आने वाले हैं भाई कमल, ठीक है। तो खिलने वाले हैं कमल, अभी छोटे हैं भाई। तो चलिए अभी अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ भाई अंदर की तरफ क्या है भाई। काफ़ी पुराना प्लेस है भाई ये, सिर्फ लकड़ी का बना हुआ है। तो अंदर भी देखोगे ना तो आप लोगों को भी लगेगा भाई, देखिए सेम थिंग जो अभी मैंने पीछे दिखाया था ना, बट ये दूसरे वाला भाई, ये शायद बड़ा टेंपल होगा क्योंकि इसमें मुझे लगता है काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं भाई यहाँ पर, मतलब भी काफ़ी बड़ा है भाई। देखिए वो काफ़ी पुराना है भाई, ये लकड़ियों का स्पेशल बना हुआ, लकड़ी का ओनली। तो देख रहे होंगे ना भाई, ये देखो भाई कितने फल वगैरह इन्होंने भाई यहाँ पर भी रखे हुए हैं, काफ़ी दूर तक अंदर तक है भाई ये, ठीक है। अभी ये यहाँ देखिए उनकी मूर्तिज वगैरह भाई कहाँ पर कैसी, और ऊपर भी है भाई यहाँ पर। देखिए पीछे की तरफ भी आपको देखोगे ना, तो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए पीछे की तरफ भी भाई बुद्धा वगैरह जो उनके गॉड वगैरह जो भी हैं भाई, एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता भाई, ठीक है। तो पीछे की तरफ भी बैठे हैं भाई, काफ़ी भव्य है भाई ये भी टेम्पल पगोड़ा। तो आशा करता हूँ भाई आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी यहाँ भी काफ़ी फोन, और यहाँ पर ये जो अगर देख रहे हो फोटो, शायद ये इन्होंने यहाँ पर रिनोवेशन का काम किया होगा, इन्होंने समाज में कुछ अच्छा काम किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए भाई, तो मतलब ये जो लोग हैं शायद इनके जैसे कि हमारे यहाँ पर सैनिक वगैरह तो बहुत जैसे होते हैं ना, कुछ होगा ऐसा ही शायद। तो ये देखिए ना पानी वगैरह, पानी की बोतलें वैसे सब कुछ इन्होंने अपने भगवान के लिए रखा है भाई, गॉड को ऑफर किया है, ठीक है। मतलब जो ये खाते हैं भाई वही ये चीज़ भाई इनको ऑफर करते हैं भाई, ठीक है। तो ये जैसे आप देख रहे होंगे ना, वही देखिए कितने लोगों को फोटोज भेज रहे हैं, उन्होंने काफ़ी शायद काम किया होगा गाइस।
कुछ ना कुछ अच्छा समाज के लिए काम किया होगा ना, इस वजह से शायद यहाँ पर लगा हुआ भाई ये। ठीक है भाई, ये काफ़ी पुराना भाई पकौड़ा है भाई, बहुत ही पुराना टेंपल है भाई। ठीक है, आशा करता हूँ भाई आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों भाई, जाने से पहले कहूँगा कि प्लीज़ कृपया वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो घर बैठे वियतनाम जो का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेन है, वन पैगोडा टेम्पल आप देख सकते हो। देखिए ना आपको कितना अच्छा भाई, कैसी कैसी मूर्तियाँ भाई यहाँ पर। ठीक है गाइज, तो गाइज ऐसा करता हूँ आपको ये काफ़ी अच्छा लग रहा हो, एक्साइटेड भी होगा आपके लिए। तो गाइज कोशिश करूँगा यदि कभी फ्री टाइम होगा तो अभी किसी कुछ और आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाने के लिए। तो गाइज अभी चलते हैं भाई बाहर की तरफ। ओके, देखिए काफ़ी अच्छा भाई टेम्पल मैंने आपको आज दिखाया है, और आप लोगों को भी शांति महसूस होगी भाई। हाँ, वियतनाम में भी भैया मैं भगवान, क्योंकि ईश्वर भाई हर एक जगह विद्यमान है किसी न किसी रूप में। ठीक है गाइस, तो मित्रों भाई अभी मिलता हूँ आप लोगों को एक नए व्लॉग में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ और दिखाने की, जब भी कभी टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है भाई। ठीक है, तो गाइस ये पीछे की तरफ भाई ये म्यूज़ियम है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ भाई आप लोगों को नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, राम राम भाई सभी भाइयों को, थैंक यू सो मच।